तो टाइम बहुत कम रह गया, नुमान मैं और अबू जो है ना वो लोग जाने लगे हैं नमाज पढ़ने हम लोग, तो आके आप सबसे प्रॉपर मिलते हैं जो है आपके भाई के भी, जब प्रॉपर लुक भी आपको दिखाऊंगा तो भी चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद, फिर इंशाल्लाह आके वहाँ से आपको मिलते हैं। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके तशरीफ लाए और हर गली कूची के दुकर पर खड़े हो जाते हैं और सदा लगाते हैं, ऐ उम्मते मुहम्मदिया जल्दी करो, जल्दी ईदगाह की तरफ पहुंचो, आज अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आम है, आज अल्लाह तबारक व तआला। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जैन पे, क्या हाल है? मुबारक हो आपको। खैर मुबारक जनाब, ईद शीद बताएं आपको कितनी नीड है हमारे जनाब, पैसे बड़े हैं आप ले लिए पहली दफा तो शो देखो मार रहा भाई मुझे, मैं तो बताऊं कितने लेने हैं, मैंने 5000 से कम को नहीं लेना यार, मैंने पूरा 5000 से कम नहीं लेना। ये भले हैं कितने, ये कितने हैं? ये जनाब अली जैन नूर ने हमें ईदी दी है माशाल्लाह, थैंक यू भाईजान, थैंक यू। तो व्यूअर्स, आप सबको मेरी तरफ से, आपकी फैमिली को, आपके रिश्तेदारों को, आपको दोस्तों को बहुत 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 फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। और मुझे तो ईदी माशाल्लाह से भाई ने जहन ने दे दिया, अभी दे अबू से भी लेते हैं और अपने जो है ना बाकी रिश्तेदारों से भी लेते हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपको वो भी दिखाएंगे। जल्दी जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो अभी आपका भाई आपकी पूरी लुक अभी 2 मिनट में दिखाता है, तो अपने हमारे साथ रहें। टाइम हो रहा है तकरीबन 10 बज रहे हैं और मैं और अब्बू जा रहे हैं इस टाइम गाँव, तो आप लोगों को गाँव जा कर मिलते हैं, यहाँ पर तो सबको ईद पर मिल ली है, अभी चलते हैं गाँव तो आपको गाँव जा कर मिलते हैं। व्यूअर्स, टाइम हो रहा है 11:32 का और मैं आ चुका हूँ गाँव, टाइम हो गया, मैं गाँव आ गया था आपको मैंने बताया था। तो इस टाइम अभी यहाँ पे अब्बू लोग सारे बैठे हुए थे, अब्बू कुछ मेहमान हैं, सदील भाई भी इधर बैठे हुए हैं, तो वो भी अंदर गए हैं, वो सामने गाड़ी हुई है, उधर एक मेहमान हमारे रिश्तेदार हैं वो अंदर घर गए हैं, अब उनको मिले गए हैं, तो अभी बैठे हैं यहाँ पे। हमारी तो ईद भाई यही होती है कि हम लोगों ने गांव आना है, गांव में सारों को मैंने मिला हूँ, यहाँ बैठना है, माशाल्लाह बहुत प्यारा माहौल है, देखें पत्ते हिल रहे हैं, यहाँ पर हवा है और बिल्कुल छाँव है, ठंडी ठंडी यहाँ पर है। और इंशाल्लाह अभी शाम को हम लोग जाएँगे कहीं घूमने फिरने, मैंने अपने दोस्तों से बात की है, समीर से, इफ्राहिम से, शाम को प्रोग्राम, ये कज़न कह रहे हैं कि शाम को ना अगर बन गया प्रोग्राम तो चलेंगे, तो इंशाल्लाह अगर बन गया प्रोग्राम तो अपन भाई इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहें, आप सबको दिखाएंगे क्या माहौल है इंशाल्लाह। आज तो वह डे वन है लेकिन डे टू करें इंशाल्लाह, दूसरे दिन कोई प्रोग्राम इंशाल्लाह बनाएंगे, लाजमी आप लोगों को ले जाएंगे, आप लोगों को इंजॉय करवाएंगे। तो जल्दी से चैनल को हमारे सब्सक्राइब, घंटी को दबाएँ आप, ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो मुझे बताइएगा कि आपको हमारा आज का व्लॉग ऐसा लग रहा है, कोई गलती होगी हो तो उसे भी जो है ना मुझे बताएं, और आपको मेरी तरफ से दोबारा एक दफ़ा मुबारक। तो मैं आज को इस्टम घर यार, आप लोग भी सोच रहे हो साइम ने को हमें कहा था कि आप लोगों को मैं ले जाऊंगा शाम को, तो साइम में ले नहीं गया, तो यार असल में ना हमारा प्रोग्राम जो है ना वो कैंसिल हो चुका था, मेरे दोस्त जो है ना वो भी अपने अपनी फैमिली का, आपको पता है कि ना के दिन सब अपनी अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, सब अपने रिश्तेदारों को टाइम देते हैं, तो मेरे भी घर मामू वगैरह आ गए थे, बड़े मामू भी आए थे, छोटे मामू भी आए थे, तो उन दो मामू को टाइम दिया, उनके कज़न मेरे कज़न थे जो मामू के बेटे, उनको भी टाइम दिया, तो इसलिए हमने जो है ना ईद के पहले दिन नहीं गए, कहीं नहीं गए, बस यही थोड़ा सा व्लॉग बनाया था। तो इंशाल्लाह 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 अल्लाह पाक खैर करेगा, कल इंशाल्लाह ईद का दूसरा दिन है और कल जनाब आपके लिए धमाकेदार चीज़ आने लगी है, वो अपने
لازمی دیکھنا ہے تو میرے لیے تو وہ اچھا بالکل ایسا انجوائے والا سین ہوگا کیونکہ میرے لیے تو وہ خوشی کا دن ہے اور آپ نے بھی لازمی ولاگ دیکھنا ہے تھوڑا سا ہنٹ آپ کو بتا دیں تو کل کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ ایک فنکشن پر جانے لگے ہیں ابو میں اور زین ہاں جی انہوں نے ہمیں بلایا ہوا ہے اور ہم لوگ ان مہمان ہیں ان کے اور ہم لوگ جا رہے ہیں وہ فنکشن کہاں پہ وہ ہے گاؤں میں اچھا ہے باقی آپ خود سوچیں وہ کیا شادی کا فنکشن ہے وہ کوئی اور فنکشن ہے وہ کوئی بھی ہے تو فنکشن ہے خوشی کا دے خوشی ہے وہاں پہ تو ہم لوگوں نے تینوں نے جانا اور بڑا شگل ملا ہوگا وہ بھی آپ لوگ دیکھیں گے پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت میں آپ کا اپنا ہوسٹ علی سائم نور تو پھر ملیں گے کل کی ویڈیو میں اللہ حافظ بائے